हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्टैंडर्ड सेकंड, सब्जेक्ट इंग्लिश। तो चलो बच्चों, हमने चैप्टर वन कंप्लीट कर लिया है। आप सभी ने वर्कबुक ने चैप्टर वन कंप्लीट कर लिया? ओके, वेरी गुड। तो चलो अब हम आगे देखते हैं। आगे क्या है? चैप्टर टू, आई एम लकी। तो उसमें कुछ नए वर्ड्स दिए हुए हैं। चलो हम वर्ड्स देखते हैं। बटरफ्लाई, बटरफ्लाई देखा है आपने? यस, बटरफ्लाई का मतलब होता है तितली। विंग्स, विंग, विंग का मतलब क्या होता है? पंख। मैना, मैना का मतलब क्या होता है? मैना एक पंछी है जो गा सकती है। फिश, फिश का मतलब क्या होता है? फिश का मतलब होता है मछली। व्रिगल, व्रिगल का मतलब क्या होता है? व्रिगल मतलब यहाँ से वहाँ घूमना, पटपटाना। ग्रीगल, ग्रीगल का मतलब क्या होता है? ग्रीगल का मतलब होता है हंसना, दांत निकालना। ग्ली, ग्ली का मतलब क्या होता है? खुश होना, हैप्पी होना। रेस, रेस का मतलब क्या होता है? रेस मतलब उठाना। ट्रंक, ट्रंक, ट्रंक का मतलब क्या होता है? सूंड। आपने एलिफेंट देखा है ना? यस, तो एलिफेंट की सूंड देखिए। ओके, तो कांगारू, कांगारू का मतलब क्या होता है? कांगारू एक एनिमल है, आप सभी ने देखा है। ओके, तो वो सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। होप, होप का मतलब क्या होता है? होप यानी कूदना। ऑक्टोपस, ऑक्टोपस क्या है? ऑक्टोपस भी एक एनिमल है जो पानी में रहता है। तो चलो, उसके कितने हैंड होते हैं? एट। ऑक्टोपस के एट हैंड होते हैं। आर्म्स, आर्म्स यानी हाथ। तो चलो बच्चों, आपको न्यू वर्ड्स में पता चल गया। तो आपको ये वर्ड्स है वो फाइव टाइम नोटबुक में होमवर्क करना है। ओके, चलो अब हम आगे पोएम में देखते हैं। तो हमारी पोएम क्या है? आई एम लकी। पेज नंबर अपना 20 ओपन कीजिए, उस पे पोएम दी हुई है, आई एम लकी। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। इफ आई वेयर ए बटरफ्लाई आई वुड बी थैंकफुल फॉर माई विंग्स। तो यहाँ पे एक बच्ची दी हुई है, आप सबको दिख रही है? यस, तो वो बच्ची सोचती है कि क्या वो बटरफ्लाई, बटरफ्लाई यानी तितली, तितली होती तो वो थैंकफुल होती कि उसके पास विंग्स, विंग्स यानी पंख है। इफ आई वेयर ए मैना इन अ ट्री आई वुड बी थैंकफुल दैट आई कुड सिंग। फिर वो सोचती है कि अगर मैं मैना होती जो पेड़ पे बैठती है तो मैं थैंकफुल होती कि वो गा सकती है। If I were a fish in the sea, I would be thankful that I can wriggle and giggle with glee. फिर वो सोचती है कि अगर मैं फिश होती जो पानी में रहती है वो, तो मैं थैंकफुल होती कि वो wriggle, wriggle यानी पटपटाना, घूमना, तो मैं यहाँ से वहाँ घूम सकती थी, हंस के बुलबुले निकाल सकती थी। ओके, चलो आगे। सो आई जस्ट थिंक आई एम लकी टू बी मी नॉट यू बट मी। मैं सोचती हूँ कि मैं बहुत लकी हूँ कि मैं हूँ, तुम नहीं हो। इफ आई वेयर एन एलिफेंट आई वुड बी थैंकफुल दैट आई कैन रेज माई ट्रंक। फिर वो सोचती है कि अगर मैं एलिफेंट होती तो मैं अपनी सूंड को उठा सकती थी। इफ आई वेयर ए कंगारू आई वुड ट्राई टू होप राइट अप टू द मून। फिर वो सोचती है कि अगर मैं कंगारू होती तो मैं कूद के चांद पे जाने का प्रयास करती। इफ आई वेयर एन ऑक्टोपस आई वुड बी थैंकफुल फॉर माई एट आर्म्स। फिर वो सोचती है कि अगर मैं ऑक्टोपस होती तो मैं थैंकफुल होती कि मेरे पास एट आर्म्स यानी एट
हाथ है. सो आई जस्ट थिंक आई एम लकी टू बी मी नॉट यू बट मी. तो मैं फिर वो सोचती है कि मैं सोचती हूँ कि मैं बहुत लकी हूँ कि मैं हूँ तुम नहीं हो. वॉट डू यू थिंक यू वॉन्ट टू बी, आप क्या सोचते हैं बनना. डू यू वॉन्ट टू बी लाइक मी, क्या आप मेरी तरह बनना चाहते हो. और जस्ट यू, क्या आप मेरी तरह बनना चाहते हो कि आप जैसे हो वैसे ही रहना चाहते हो. चलो आप सभी को पोएम में पता चल गई. ओके चलो आगे न्यू वर्ड्स दिए हुए देख लेते. बटरफ्लाई यानी तितली. मैना यानी एक पंछी है. फिश यानी मछली. कंगारू या एक एनिमल है. ऑक्टोपस आप देखा है आप सभी ने. ओके तो ऑक्टोपस के कितने हैंड होते हैं, 8. तो चलो बच्चों हमने पोएम देख लिए, आगे की एक्सरसाइज हम अगले वीडियो में देखेंगे. थैंक यू.